अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सारे ना। उम्मीद करना कि तुम सारे ठीक हो, सो दे बाल लो सो। तो सब थी पहले सारे ही जड़ा है जुमे ने मुबारकबाद वै, तो उसके बाद जड़ा आज 12 रबीउल अव्वल है, तो ईद मिलाद नबी ने भी सारे मुबारकबाद वै। तो दोस्तों आज नहीं व्लॉग नहीं शुरुआत अस अपनी दुकान पर कर ले हैं। ये तको जुबैर और बैठे रहे हैं, दाए मिर्जा और अज जने काफ़ी दिनों थी बाद जरा होटल आ रहे हैं। मैं इतना कला ही जरा दुकान करना रहा हूँ, तो तुम थकी सकने हो। तो उम्मीद ये करने कि अज जरा असा दिन जरा चंगा गुजर सी। तो अज जुलूस भी आई ईद मिलाद नबी ना, तो उसने भी तुम्हें झलक दसने की कोशिश कर सा, तो उस भी शामिल हो सा। तो ये तुम तक अस जो त्रे बैठे रहे कम शाम कोई नहीं, चलो अज जुम्मा से आता अस जरा दुकान पर आए हैं। तो तुम जो वीडियो बने रहो, तो जो नवे व्यूअर साढ़े फेसबुक पेज तक आ रहे हैं उन्हें रिक्वेस्ट है प्लीज साढ़े फेसबुक पेज फॉलो करी लो, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करी लो। तो दोस्तों चलो वीडियो जी शुरू करने हैं। ये जनाब साड़ी दुकान का व्यू, तो यह तक सकने हो तुम जो डिलीवरी आए आए हैं वह भी इतने आंदा पार्सल जो सारी दुकान पर देने। तो यह परली साइड वाली दुकान जी है बंद है। तो यह तको मिर्जे और होटल अज खुलिया काफ़ी अरसे बाद बैठे ने। तो इधर अगर अस नजर मारा तो यह कुछ सेवा वाले कोई आए नवे सारी कश्मीरियन कुन, तो इन्हें भी चाहिए पूछने कि क्या भाज न सेब देने कड़ी कड़ी वरायटी है सेब बनी इन्होंने को, चाहिए इन्हें भी पूछ सौ। चलो दोस्तों चलने हैं इन्होंने कोल, तो पूछने हैं इन्होंने कोल कड़ी कड़ी वरायटी ना जो सेब है किस तरह देने मिलने हैं इन्हें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब ने क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र दुआ दस। और क्या हाल चाल है सर? सारे ठीक हैं। तो सेब भेजने हो? जी हाँ। कड़ी कड़ी वैरायटी ना सेब है सब को? इथे गोल्डन है, कुल्लू है, महाराजी जी, जेडी मर्जी वैरायटी लो सर। अच्छा किस देने है? मतलब सस्ते भी चीज देने हो? बस बिल्कुल 25 रुपए किलो देने होगा जी। आप जब से इकडा सेब लोडने और मंजा कोटाई दे सारी दुकानों को लगे हैं तो समझ जाए और खरीद सकने हो। ये बंदे ने काफी सस्ते भी जरा सेब है कश्मीर से आने दा इथे जेड़े जी जी ने लोग काफी अच्छा 2 रुपए किलो मोर कमाई 10 महीने को जरा इंसान का खासा चेक कर सके किस किस्म ना सेब है। ता इधर दुए बंदे हैं ये भी बैठे हैं तो तक सकने हो। काम काटा क्यों क्या असू है ना इस टाइम दा बंदे नहीं लवने है ना। ते ये इने भी जरा अस्सलाम वालेकुम ठीक हो? वालेकुम सलाम ठीक ठाक जी। और क्या कुछ बनाने है? ठीक है ना सेब वाला मालूम शुक्र दा। पहली बार आंदे सो सेब ना जी? नहीं 13 पहली बार ही आंदे इस सीजन में, पहली बार ही आंदे। गोल्डन है ये जनाब, ये चार वैरायटी रखे, ये चमोरा है ते वो परला गोल्डन है, अगले वाला जड़ा ये कुल्लू है। चलो जी बिल्कुल बढ़िया वैरायटी है जनाब असल में। चलो जिस कुछ भी जरूरत है मंजा कोटा भी सब सब से सस्ती गड्डी जड़ी है यो है। मैं सोचा मैं इन्होंने भी चलो गल शल की जाए दुकान को आई नहीं सेना बिल्कुल। अगर हम जो झलक दसने किस नहीं आला जरा वो अपना जुलूस जरा निकलिया उसने झलक चली सलाह भी दसने। ये मिर्जा रशिया सेब चेक करने से क्या साहब है जी? सेब है सेब ए1 सेब है, ए1 सेब है, ए1 सेब है। चलो ठीक है जी खाने आस कपी दा चेक करने पहले। हां चेक कर हां माशाअल्लाह तुम तकी सकने हो जरा ईद मिलादुन नबी ने जुलूस है वो अस्पताल आले चौके तोड़ी पुजी आया। तो अस भी जरा इतना शामिल हो सा जुलूस है जी जी जुलूस की झलक है उस समय सामने पेश करने की कोशिश कर सा। सोने की आम जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, शर्मा ना छोड़ो, शर्मा ना छोड़ो। कहा की आम, कहा की आम, वसील की आम, वसील की आम, वसील की आम, प्यारे की आम, प्यारे की आम, बदली की आम। Yeah, 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 y
कॉर्नर है, मैं भी काम नहीं सर, मैं सोचा जलूस जड़ा आया मंजा कोट मंगलनाथ चौकै तोड़ जड़ा आया पुजी आया ते हुन अस भी जड़ा जलूस जड़ा शामिल होने आ, क्योंकि जलूस जड़ा वीडियो दफ्तर वाली जड़ी रोड है उत्थे तोड़ जड़ा आ जासी ते उत्थे जड़ा फिर वापस हो सी, ते अस भी जड़ा जलूस शामिल होने आ, ते तुस वीडियो जड़ा बने रहो। माशाअल्लाह ऐ तक अस बीडीओ दफ्तर को जड़ाया पुजी आया, ते ऐ तक माशाअल्लाह कितना सजाया ने रोड पर, ते इत्थों जड़ाया जलूस जड़ाया वापस उसी दबुन जासी दा फिर चौकै भी थोड़ा रुकसा होता उत्थे ना व्यू तुसें दसने आ, तो साड़ी वीडियो बने रहो, ते वीडियो जड़ी है लास्ट तोड़ी तक है।
जुलूस जड़ा आ पूरी मार्केट बच्चें गुजरी ते माशाल्लाह अच्छे तरीके नाल जड़ा वापस चौके पुजने वाला आ ते हुन इस दी बाद जड़े मौलाना हाफिज़ लियास होर हन इस दिन मुबारक दिन ने मौके पर तुसां नाल मुखातिब हो सन ते तुसें चंद जड़े बातां हियां ओह तुसें दसन ते हुन मौलाना हाफिज़ लियास होर ने जड़ा आ इंटरव्यू आ ओह सुनने आ। आज दुनिया की तारीख का अजीम शान दिन है और वो दिन इसलिए है कि आज के दिन उस नबी की पैदाइश इस दुनिया में तशरीफ आवरी हुई जिस नबी ने आकर इंसान को इंसान बनना सिखाया। सुभान अल्लाह। दुनिया में अपने बेटे की पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है, किसी और अल्लाह की नियमत के मिलने पर खुशी मनाई जाती है, क्यों ना मुसलमान खुशी मनाए जिस दिन में उसको बल्कि मुसलमान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को वो नबी मिला जिसने इंसान को इंसान बनकर जीना सिखा दिया। आज ये जो आप इतनी बड़ा मजमा देख रहे हैं जामिया ज़ियाउल इस्लाम मंजा कोर्ट के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस और उसके बाद एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया है जिसमें अजीम शान आलिम दीन और अजीम शान खतीब अहले सुन्नत वल जमात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद फरीदुद्दीन मिसबाही साहब सदर अंजुमन सदर आल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम जो है वो बतौर मुकर्रर खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं आप तमाम हजरात का हज़रत अल्लामा मौलाना गुलजार साहब की बुला और यहाँ जितने मेरे मुअज़्ज़िज़ीन पूरे गिर्द नवाह के इलाकों से तशरीफ़ लाए हैं मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के इस अजीम शान दिन में अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए वक्त निकाला। आज ये वो महीना है जिसमें हर बंदा अपने घर में मशहूर है, काम काज का महीना है, असूज का महीना जिसे कहते हैं, लेकिन फिर भी आप आज देखेंगे कि एक समुंदर लोगों का माशाल्लाह अपने नबी की मोहब्बत में सड़कों पर निकला हुआ है। और फिर मैं मंजा कोर्ट की मार्केट के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे जुलूस के लिए नीचे मंजा कोट जो हॉस्पिटल चौक है वहाँ पर सब के लिए एक एक फ्रूटी का अहतमाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जजाए खैर अता फरमाए। मिलाद मुस्तफ़ा का जो पैगाम है वो सिर्फ ये है ताकि पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुँचे कि हम मोहब्बत वाले हैं और सारी दुनिया को मोहब्बत बांटना चाहते हैं। ये लोग आज उसी मोहब्बत को फैलाने के लिए उसी नबी के पैगाम को आगे पहुँचाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और ये इतना बड़ा समंदर लोगों का माशाल्लाह गाड़ियों में पैदल तलबा इकराम और पूरी मंजा कोट तहसील के मुअज़्ज़िज़ीन और रहने वाले हजरात जो हैं इस जुलूस में शरीक कार हैं। मैं आप सबका जामिया ज़ियाउल इस्लाम मंजा कोट के तलबा असातिज़ा की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मीडिया वालों का भी जिन्होंने वक्त निकाला और बिलखसूस हमारी जो मंजा कोट पुलिस है जनाब DSP साहब SHO साहब जो बिलखसूस हमारे मदरसे में तशरीफ़ लाए और वहाँ से आगाज़ करवाए और फिर पूरे इस जुलूस की जो है वो निगरानी और सिक्योरिटी का अल्लाह ताला का सच्चा और ऊंचा फरमान है लकद मन अल्लाह वल मोमिनीन इस्बास अफीक रसूला। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने सारे मोमिनीन पर अपना एहसान फरमाया है, एक अजीम शान रसूल ने दिया है। हजरत वो हर आलम में रहते हैं, वो हर आलम की रहमत हैं और हर आलम में रहते हैं। अल्लाह की रहमत उन्हीं पे बरसती है सल्ले आला जो कहते हैं। पढ़ लो दुरूद पाक जरा इश्के सरकार में, फिर जो मांगो कबूल होगा रब के दरबार में। अल्लाह हजरात आज का जो मुबारक दिन है ये सारे आलम इस्लाम के चप्पा चप्पा और कूनों कूनों में मनाया जा रहा है। आलम इस्लाम की खुशी का दिन है, मिलाद पाक का ये दिन है, ये वो दिन है जो आलम इस्लाम को अख़ुवत और भाईचारा और सारी इंसानियत को अख़ुवत और भाईचारे की दावत देता है। ये वो दिन है कि जो अपने अपने वतन की सालमियत चाहता है ये दायमी इत्फाक़ और इत्तेहाद से जीना ये दिन सिखाता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक अल्लाह ताला ने फरमाया है लकद मन अल्लाह अलल मोमिनीन इस्बास अफीम रसूला। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजीम एहसान फरमाया है कि मैंने मोमिनीन को एक अजीम शान रसूल दिया है
देने वाला भी उस पर फख्र कर एहसान जता रहा है। इस अजीम शान नियामत पर हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आज का हमारा मकसद ये है कि सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने का। जब कोई किसी कार्य खैर में हिस्सा लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला हिस्सा लेने वालों पर बड़ा राजी हो जाता है। एक शख्स एक अपने दोस्त के लिए मिलने के लिए जा रहा था, आज तो वो दिन है जिस दिन के लिए कायनात बनी है, तो इस दिन की खुशी मनाने में तो कितने अल्लाह की रहमतों का नजूल होता है। एक शख्स अगर किसी अपने दोस्त को मिलने जाता है तो उसमें सिर्फ अल्लाह की रजा होती है, तो अल्लाह उसके लिए एक फरिश्ता नाज़िल फरमाता है, हुक्म फरमाता है कि मेरे बंदा जो है ये सिर्फ मेरी रजा के लिए मेरे बंदे मेरे दूसरे दोस्त को मिलने के लिए जा रहा है, इसको बशारत दे दो ये जन्नती है। हम तो उनकी खुशी मना रहे हैं कि जिनके लिए सारी कायनात बनी है। आज के इस मौके पर मैं सबको अखुवत और भाईचारे की दावत देता हूँ, अपने मुल्क की सालमियत की दुआओं की दावत देता हूँ, दायमी इत्फाक और इत्तेहाद से जीने की दावत देता हूँ। लकद कान लकुम फी रसूलुल्लाह उसवतुन हसना के मुताबिक अल्लाह ताला हमें जीना नसीब फरमाए। मैं तमाम हाजरीन को बेहद मुबारकबाद देता हूँ और साथ साथ में बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि जिन्होंने इस इतनी बरकत वाली महफिल में हिस्सा लेकर अल्लाह की रहमतों को अपनी झोलियों में समेटा है। आने वाले जुमे को फिर इसी तरीका से इंशाअल्लाह इस सरजमीन मंजा कोट पर हम एक और जुलूस फिर निकालेंगे, ये भी हम सब ने मिलकर निकाला है, वो भी सब मिलकर निकालेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बेशक असूज का महीना है, सब कुछ आका पे कुर्बान, उस दिन सब लोग छुट्टी करेंगे अपने काम से और इस जुलूस में शामिल होंगे। अल्लाह ताला सबको कामल ईमान नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है दोस्तों, आज नई वीडियो जड़ाया इतना ही, हूँ अस नमाज पढ़ी भी जड़ाया वापस आई है, ते ईद उल मिलाद नबी ना जड़ा खास मौका से आज ते उस प्रोग्राम भी खत्म होया, ते उन्हें भी अस जड़ा वीडियो ने एंड करने हैं, ते जड़े नवे व्यूवर साढ़े इस फेसबुक पेज तक कह रहे हैं, इन्हें रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ साढ़े फेसबुक की फॉलोवर ही नो, ते यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर ही नो। तो दोस्तों मिलने एक नवे व्लॉग नाल, तब तक नहीं दियो इजाजत, ते अल्लाह ने वाला दोस्तों।